अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी जो है ना बुलाया है टिपू वालों ने और बोला है कि गाड़ी ले आओ खाली करने के लिए। तो ये हमारा आला चेक करो, डांगरी मांगरी पहन लिया और हमने बूट मूट पहन लिया, रेडी हो गया। और अभी इधर तो कैमरा बंद है, मैं आपको टिपू नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं ना फिर बुरा मानता है। इधर कैमरा बंद है। इरफान भाई ने डांगरी पहन लिया और सेफ्टी बूट भी उसने पहन लिया। इधर देखो इरफान भाई, रेडी हो गया ना खाली करने के लिए। अच्छा, ये सामने टिपू जो दरवाज़ा बंद कर रहा है, लेकिन इधर कैमरा पर बंद ही है, वो कैमरे लगे हुए हैं, इधर बंद है। मैं आपको चुपके से दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा टिपू, अभी खाली करेगा फिर बाद में मिलता है। गाड़ी खाली हो गया, अभी है पुल के ऊपर आ गया। ये छोटा टिपू था हमारा, ये पुल के ऊपर आ गया। सफर की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। समंदरी रोड है, सीधा निकलता है सहीवाल से फैसलाबाद से 88 किलोमीटर तकरीबन रह गया। इधर से सीधा जाएगा फैसलाबाद। रावी का टूल प्लाजा इस रोड पे आता है। हाँ, रावी वाला था। चेक करो ये इलाका, इस रोड पे हम पहली बार जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए हैं। फैसलाबाद तकरीबन 60 किलोमीटर है, आगे बोर्ड पे लिखा है। ये छोटे छोटे बाजार आते हैं ना रोड पे, रोड बहुत तंग है, इतना रश है देखो।
चंद्री सतारा आगे क्या लिखा है पाठक है रेलवे पाठक गाड़ी से भी बड़ा बनाया है ए चाचा ए देखो बड़ा ट्राला बना दिया है एक गन चलाता है इसके ऊपर दो ट्राले लगे हुए हैं इसके पीछे अभी खड़ा हो गया नमाज का टाइम है डच कोर्ट से बाहर निकल गया अभी खड़ा हो गया अभी नमाज पढ़ता है फिर आगे जाएगा। ये चेक करो डच कोर्ट सिटी से बाहर निकल के आना एक गो पंप पे हम लोग खड़ा हो गया नमाज पढ़ता है फिर आगे जाएगा इंशाल्लाह। अभी नमाज पढ़ लिया रवाना होता है और मैं जाता हूँ उधर इरफान भाई के साथ बैठता हूँ। देखो इरफान भाई और दिया भाई जा रहा है और हमने नमाज पढ़ लिया मैं जाता हूँ उधर इरफान भाई के साथ बैठता हूँ। तो अभी असर का नमाज पढ़ लिया रवाना हो गया फिर से सफ़र शुरू किया है। अभी तकरीबन फैसलाबाद 20-25 किलोमीटर आगे सफ़र रह गया इंशाल्लाह शाम को पहुँच जाएगा और मैं इरफान भाई के साथ बैठ गया। इरफान भाई ने तो बिस्कुट हमारे लिए उठाया है। हाँ इरफान भाई खैर है तकरीबन आइए कितना सफर रह गया 20-25 किलोमीटर है ना 20-25 बस अल्लाह खैर से पहुंचा हुए यार हमने तो तुम तो हमसे पहले खाली हो गया और हमने तो सारा दिन उधर डिपो में गुजार दिया यार अभी 3 बजे निकाल दिया। अच्छा तुम्हारा शर्ट या नहीं 39 लीटर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ओके था बिल्कुल ओके था। अच्छा ना पहुंच गया टुल प्लाजे पे दूसरा टुल प्लाजा आ गया इसका नाम है समंदरी रोड फैसलाबाद। ये देखो समंदरी रोड फैसलाबाद टुल प्लाजे का नाम है। ये पहुंच गया मेरा गाड़ी हो जा रहा है मैं तो इधर इरफान भाई के साथ बैठा हूँ। सब्र करो थोड़ा सब्र ही नहीं हो रहा है तुम्हारा टुल प्लाजा तो दे वही
दाखिल हो गया, तो इधर नमाज का टाइम था, इधर खड़ा हो गया नमाज के लिए, और अभी जाता है उधर नमाज पढ़ेगा। इधर खड़ा हो गया, ये देखो थोड़ा साइड पे खड़ा कर दिया ना गाड़ी, क्योंकि नमाज का टाइम है। परिंदे कितना शोर करता है, नीचे पानी जा रहा है। वो देखो जब अंदर दाखिल हो गया तो इधर खड़ा हो गया, नमाज का टाइम, हम नमाज पढ़ता है फिर इंशाल्लाह जाएगा आगे। निशाताबाद कश्मीर रोड, आखिरकार दोस्तों हम लोग पहुंच गया फैसलाबाद में। तकरीबन 8 बजे का टाइम है, फिक्स 8 बजे पहुंच गया फैसलाबाद में। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।